जमात दहम के तलबा, आज हम दूसरा पोर्शन गेम्स का टेस्ट हो चुका। अब आगे नेक्स्ट के लिए हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का मज़मून पढ़ने लगे हैं। वैसे भी ये दिसंबर का महीना है, तो बानी पाकिस्तान के मज़मून को ज़रा गौर से पढ़ें। दी ब्राइट स्टार ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिना। कैद आज़म मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान की तारीख का रोशन सितारा है। ट्रांसलेशन सिर्फ इसलिए की जा रही है, थोड़ी थोड़ी कुछ हिस्सों की जाएगी ताकि ज़रा समझने में आसानी हो। इट वाज़ दी विल ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला की रज़ा थी, दैट द फिज़िकली वीकलिंग सन ऑफ पूंजा जिना, के पूंजा जिना का जिस्मानी तौर पर वीकलिंग नहीफो नज़ार बेटा वुड वन डे बी दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक दिन पाकिस्तान की बुनियाद डालेगा। ही वॉज बॉर्न इन कराची ऑन December 25, 1876। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। पैरा टू। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, मैट्रिक के बाद आपको आला तलीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। He distinguished himself over there as a keen and upright student. वहाँ उन्होंने एक इलम के जोया और रास्तबाज तालब इलम की हसीयत से नमाया मकाम हासिल किया। He qualified from the Lincoln's Inn as a brilliant barrister. आप Lincoln's Inn से एक शानदार बरिस्टर बनकर निकले। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया ही जॉइंड द मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वापसी पर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। ही वॉज आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आर्डेंट पुरजोश, आप हिंदू मुस्लिम इतिहाद के पुरजोश हामी थे। बट द नैरोवियन ऑफ सर्टन कम्यूनल लीडर्स डिसपॉइंटेड हिम, लेकिन कुछ तंग नज़र फिरका पसंद रहनुमाओं की तंग नज़री ने उन्हें मायूस कर दिया। ही डिसाइडेड टू जॉइन द मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार करने का फैसला कर लिया। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विद हिज ग्लोरियस विजन, उन्होंने अपनी शानदार बसीरत से मुसलमानों ने हिंद के दिल में घर कर लिया। ही वर्कड हार्ड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों के लिए कलहदा वतन के लिए सख्त मेहनत की। द ऑल्स वार अगेंस्ट हिम, हालात उनके अमकानात कि वो बरअक्स चल रहे थे, ऑड्स चांसेस यानी चांसेस बहुत कम थे पाकिस्तान बनने के। द हिंदूज द ब्रिटिश एंड द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स वर हॉस्टाइल टू हिम, हिंदू अंग्रेज और मुसलमानों का एक तबका उनका मुखालफ था, हॉस्टाइल मुखालफ। बट ही ग्रैपल्ड विद एवरी प्रॉब्लम, लेकिन आपने हर मसले पर काबू पा लिया। His aim was high, आपका मकसद बुलंद था। He soared like an eagle, आपने शहीन जैसी पर उड़ान भरी। He organized Muslim League as a political party, आपने मुस्लिम लीग की एक सियासी जमात की हैसियत से तंजीम साजी की। The Muslims rallied round him, मुसलमान उनके गिर्द जमा हो गए। The hostile forces had to retreat, मुखालफ कुवतों को पसपा होना पड़ा। August 14, 1947 was the day of his triumph, पाकिस्तान appeared on the map of world, he took an oath of office as the first governor general of the new country. मोहम्मद अली जिना वाज़ द कायदे आज़म इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सही मानों में कायदे आज़म का ख़िताब मोहम्मद अली जिना पर जचता था। हिज हेल्थ हैड बीन ब्रेकिंग डाउन अंडर अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क, ही डाइड इन कराची ऑन September 11, 1948
but founders and heroes like him never died. Do they? Okay, Allah.